नासिक वर्सेस अर्जुन सागर के बीच एक रोमांचक मैच चलता हुआ और यहाँ पर शिंदे सरकार ने बढ़िया टच पॉइंट प्राप्त किया है अपनी टीम के लिए और अब अगली रेड करने के लिए 16 नंबर की जर्सी में छोटे दिनकर दिखने में बहुत छोटे हैं लेकिन कमाल की रेड करते हैं और यहाँ पर बढ़िया छलांग लगाई 2 पॉइंट बाय अर्जुन सागर। बहुत ही बढ़िया कमाल की रेड फिलहाल आकेश। बोनस पॉइंट नासिक राइट आउट 1 पॉइंट बाय अर्जुन सागर। बढ़िया डिसीजन आता हुआ अंपायर योगेश भाई की ओर से। फिलहाल अब केवल 4 खिलाड़ी बचे हैं और रेड की भूमिका में 16 नंबर की जर्सी में दिनकर जो अर्जुन सागर के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं और टेकल में भी बढ़िया भूमिका निभाते हैं और रेड में भी अच्छी खासी एक अपनी ड्यूटी लगा ड्यूटी पूरी करते हैं और इसी बीच यहाँ पर खाली रेड और अब अगली रेड करने के लिए आए हैं आकाश शिंदे और इसी बीच राइट आउट 1 पॉइंट बाय अर्जुन सागर। शायद अर्जुन सागर टीम ने अपना गियर चेंज कर दिया है ऐसा लगता है। अब गियर चेंज करना होगा नासिक को। सुबह डेकल और 3 खिलाड़ी है टेकल करने के लिए नासिक एंड ग्रुप में और एक की भूमिका में जर्सी नंबर 16 के राइडर और बहुत ही बढ़िया मैच चलता हुआ पायरेगार्ड क्रीड़ा क्लब काक्षेवर तहसील साकरी डिस्ट्रिक्ट गलिया MH महाराष्ट्र। फिलहाल खाली रेड की उन्होंने और अब अगली रेड करने के लिए यहाँ पर जर्सी नंबर 5 के राइडर नासिक की ओर से नासिक वर्सेस अर्जुन सागर। यानी के बात की जाए तो दोनों टीमें नासिक डिस्ट्रिक्ट से आती है और इस बार लंबा हाथ और उसका पूरा फायदा नासिक के राइडर को मिलता हुआ 1 पॉइंट बाय नासिक और यहाँ पर थोड़े समय के लिए पॉइंट बताइए जरा प्लीज। नासिक कहाँ चल रही है और अर्जुन सागर कहाँ चल रही है और बंटी भाई जानकारी देंगे। 6 पॉइंट अर्जुन सागर 7 पॉइंट नासिक। नासिक की टीम 1 पॉइंट से लीड कर रही है दादा लेकिन मैच ऐसा देखने का मौका मिल रहा है काक्षेवर परिसर के आसपास के दर्शकों को कि ऐसा मैच प्रो कबड्डी का सेमीफाइनल फाइनल जैसा मैच है और चौरेसर मैं एक आपको वादा भी देता हूँ इनमें से जीतने वाला शायद फाइनल का पक्का दावेदार होगा दोनों में से जो जीतेगा वो। फिलहाल यहाँ पर 10 नंबर की जर्सी में रेड करने के लिए और इस बार लॉबी में चले गए और देखना होगा और डिफेंडर मना कर रहा है लेकिन क्या होगा ये तो ऊपर वाले के हवाले। 1 पॉइंट बाय अर्जुन सागर और मैच आ चुकी है 7-7 की बराबरी पर। जी हाँ जर्सी नंबर 5 के राइडर ये भी हाइटेड खिलाड़ी है नासिक के लिए लेकिन इनको चलना होगा और अपने साथी खिलाड़ियों को अंदर लाना होगा तब तक आप आकाश शिंदे जैसे खिलाड़ियों को वापस ग्राउंड में नहीं कर पाओगे शाकिब भाई जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ियों को वापस नहीं ला पाओगे। 2 पॉइंट बाय नासिक। बात की मैंने और उस बात पर शाकिब भाई भी अंदर आए आकाश शिंदे भी अंदर आए एक गलती इंसान को हार के कदार पर ले जाती है दोस्तों। फिलहाल जर्सी नंबर 10 में नंदू भाई ब्रेक करने के लिए और उनको टैकल करने के लिए 6 खिलाड़ी हैं नासिक के कोर्ट पर और एक धमाकेदार मैच होता हुआ फाइनल से कम मैच नहीं है दादा और इसी बीच राइट आउट 1 पॉइंट बाय नासिक। बहुत ही खतरनाक मैच इस बार रेड करने के लिए शिंदे आकाश शिंदे और यहाँ पर ड्रिप नहीं बना पाए यशवंत और सिंगल पॉइंट बाय नासिक और अगली रेड करने के लिए यहाँ पर जर्सी नंबर 7 के राइडर
को रेड में इस बार अपनी किस्मत आजमाते हुए अर्जुन सागर की ओर से, और देखना होगा अर्जुन सागर वर्सेस नासिक के बीच चलता हुआ ये मैच। और अगला मैच होगा ग्राउंड नंबर 2 पर। एक मैच है, कौन सी मैच है ये? करंजड़ी वर्सेस एकता ग्रुप कुड़ासी। दूसरे मैच के लिए ग्राउंड नंबर 2 पर ग्राउंड नंबर 1 पर रेडी रहना है दादा। इन्होंने फिलहाल शकीब भाई टीम में रेड कर रहे हैं और एक खूबसूरत माहौल। और इस बार रेड करने के लिए जर्सी नंबर 10 के खिलाड़ी, देखना होगा रोमांचक मैच ये शायद। पहले आपका खेल चल रहा है क्या राजू दादा? और हम फ्रेश होने के लिए बाहर गए थे, इसलिए हमको सही ढंग से इस मैच के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने आपसे पूछ लिया है कि ये पहले राउंड का सिलसिला नास्तिक और अर्जुन सागर के बीच चल रहा है। और इसके बीच खाली रेड सुबह डगल ऑन और रेड की भूमिका में जर्सी नंबर 3 के आकाश किंडे। आकाश किंडे सर्वान्ना जी हाँ, यहाँ पर 2 पॉइंट और जिसको मैं बात कर रहा था, यहाँ पर 1+2 3 पॉइंट नहीं, सॉरी पहले आपका खेल समाप्त। बहुत बढ़िया। और